بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترزونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی بابرکت ذات واسطے ہے جو اللہ ساری دنیا دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش غوث اعظم غریب نواز اور لجپال ہے انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و بے حساب درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المجاہدین و امام المتقین سید الاولین والآخرین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ شیما دے ویر جگان دے پیر رب دے حبیب میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت واسطے قابل عزت بھائیو بزرگو زندہ دل نوجوان ساتھیو نہایت عزت احترامہ دلائق اسلامی روحانی ماں بہنو بات گزشتہ جمعہ تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عنوان تے چل رہی ہے سورہ توبہ دی جڑی آیت میں تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے ان دے اندر اللہ رب رحمان نے بڑی ہی وضاحت دے نال بڑی ہی تفصیل دے نال مینوں تہانوں کچھ چیزاں سمجھائیاں نے کچھ چیزاں دسیاں نے کہ اگر بندہ اللہ دے رستے دے اندر نکل دے یعنی یہ جو سمجھ لو بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیندا ہے تے جے ماں باپ کہن کلمہ چھڈ دے ماں باپ دی گل نہیں مننی بھنا بھائی کہن کلمہ چھڈ دے بھنا بھائیاں دی گل نہیں مننی اپنی بیوی بچے کہن کلمہ چھڑ دے انہاں دی گل نہیں مننی
रिश्तेदार अजीजो अकारब कुंबे कबीले वाले कहन के अल्लाह रब रहमान दी तौहीद दा ऐलान करना बंद कर दे ते बंद करना नहीं करना। दूसरी चीज अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दा प्यार मोहब्बत यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी इत्तबा पैरवी फरमा बरदारी इत्थों तक करनी है। अगर अल्लाह और उसके रसूल दे आड़े दे अंदर माँ बाप आन छड़ देने ने भैणा भाई आन छड़ देने ने अजीजो अकारब छड़ देने ने लेकिन अल्लाह और उसके रसूल दा दामन छड़ना नहीं छड़ना। और तीसरी चीज अल्लाह रब रहमान ने शायद दे अंदर फरमाया है कि अल्लाह दे रस्ते दे अंदर जिहाद जेड़ा है वो बहुत अजीम चीज है। जिहादे फी सबीलिल्लाह अल्लाह दे रस्ते दे अंदर निकलना और अल्लाह दे रस्ते दे अंदर निकल के लड़ना अल्लाह दे रस्ते दे अंदर शहीद हो जाना गाजी बन जाना उन्हां दा मर्तबा मुकाम अल्लाह रब रहमान ने बड़ा आलीशान बयान फरमाया है। और अगर बंदा बा गौर मुताला करे ना सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहि मजमाइन ने बीवी भी छड़ी है बाल भी छड़े ने मां बाप भी छड़े ने भैणा भाई भी छड़े ने अपना मालो मता हर चीज अल्लाह दे रस्ते दे अंदर कुर्बान भी कीती है और हर चीज दी ना परवाह करदे होया अल्लाह दे रस्ते दे अंदर उन्हां लोगों ने जिहाद भी कीता। तो आइए हजरात नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे नाल मोहब्बत प्यार उल्फत चाहत इतनी ज्यादा करनी है कि उनके अंदर कोई चीज तुहाडे आड़े ना आए कोई चीज तुहाडी राह दे अंदर रुकावट ना बने। हजरात अल्लाह दे रसूल जनाब मोहम्मद सब को सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दा प्यारा सहाबी हजरत सैयदना हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हो कौन हंजला जिन्हां नूं गसीलुल मलाइका आखिया जांदा है यानी जदों शहीद होए ना उन्हां नूं गुसल अल्लाह दे फरिश्तियां ने आसमान तो आन के दिता है वह हंजला। आओ जरा गौर करे जे तवज्जो करे जे कि नबी दे सहाबा ने अपना आप किवें अल्लाह दे रस्ते दे अंदर पेश की अपनी आप मुहब्बत जेड़ी है अल्लाह दे नबी दे नाल मेनू तेनू करके वल दसिया प्यार करन दा उल्फत करन दा। हजरात आइए अल्लाह दे कुरान नू बड़े ध्यान दे नाल सुनिए मेरा मालिक की ऐलान फरमा रहा है। अल्लाह फरमांदे ने ए मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी महबूब सोनिया ऐलान कर दियो अपनी ज़बाने नबूवत तो ऐलान फरमा दियो। अल्लाह फरमांदे ने कुल इनकाना आपाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुनिक तरफ तुमुहा व तिजारतुल तख्शौन कसादा व मसाकिनु तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि फतरब्बसू वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन।
आओ दुनिया कायनात दे लोगो सोणियो तवज्जो करिया जे गौर करिया जे अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा प्यारा सहाबी हजरत हंसला रजी अल्लाह ताला अन्हो कायनात दे लोगो कौन हंसला वे अजे पहला दिन ही होया शादी नो एक रात गुजारी अपनी सौजा मुहतरमा दे नाल एक रात गुजारी मियां बीवी ने इकट्ठे अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलाने जिहाद कर छड़िया वे आका ले सलातो सलाम ने ऐलाने जिहाद कीता ना ओहती जंग दियां तैयारियां सोने हो चुकियां ने हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला नो जनाब निकलन लग देने करो तलवार पकड़ी है ते पिछों बेगम आवाज आंदी है आंदी है मेरे सरताज हंजला किधर जा रहे हो हंजला प्यारे मेरी तुहाडे शादी अजे एक रात ही गुजरी है हजरत हंजला आंदे ने नी अल्लाह वाली है नी मेरी बीवी है गल सुनना अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर छड़िया वे हुण मैं आमिना दे लाल दा ऐलान सुन के घर नहीं रह सकांगा घर नहीं बैठ सकांगा वीर सोनियो मेरा तुहाडा हाल की है साडे जनाब भावे अलिफ लाम तो लैके वन्नास तक सारा कुरान सुना देवो मेरे तेरे सोनिया कन ते जूं तक नहीं हिलदी बुखारी सारी पढ़ देवो मुस्लिम दियां सारियां हदीसां सुना देवो इब्ने माजा तिरमजी अबू दाऊद सारियां पढ़ के सुना देवो हत्ता के सियासिता सारे बंदे नूं हिफज भी करवा देओ सोणियो साडे कन ते फिर भी जूं तक नहीं हिलदी हजरत हंजला आंदे ने नी अल्लाह वालीए गल सुनना अगर ते मैं जिंदा रहा जे मैं बच गया ते मेरे तेरी मुलाकात होएगी अगर मैं अल्लाह दे रस्ते दे अंदर शहीद हो गया फिर मैं जन्नत दे अंदर तेरा इंतजार करांगा कायनात दे लोगो अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी हजरत हंजला रजी अल्लाहु ताला अन्हो निकले ने मैदाने ओहद दे अंदर हजरात मैदाने ओहद दे अंदर लड़दियां लड़दियां हजरत हंजला शहीद हो जांदे ने इन्हां दी बेगम नूं पता चलदा है आन के अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं आंदियां ने महबूब सोणिया मेरे हंजला ते गुस्ले जनाबत फरसी शहीद दा मुकाम ते एवे ना जिवें शहीद होया वे ओनू बगैर गुसल देन तो ही कफन जनाब दफन कर दिता जावे महबूब सोनिया हंजला ते गुसले जनाबत फरसी अल्लाह दे नबी जी हजरत हंजला नू गुसल दे लिया जे आका अली सलातो सलाम आंदे ने सहाबा हंजला दी लाश नू तलाश कीता जावे लभिया जावे हजरात इंज लभिया जांदा इंज टीलियां दे ओले पत्थरां दे ओले हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हो दी लाश पई है इंज वालां दे अंदरों पानी दे कतरे पे टिपकदे ने आका अली सलातो सलाम आंदे ने नी हंजला दी ए बीवी ए खुश हो जा राजी हो जा अल्लाह दे नूरानी मलाइका तेरे हंजला नू आप आन के गुसल दे के गए ने आओ ना दुनिया कायनात दे लोगो हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हो कौन हंजला वे जिन्ना अपनी हर शे अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कुर्बान कर छड़ी है अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वार छड़ी है ते किसे अहले दिल ने बड़ी प्यारी गल कीती आंदा की है ओ लै गए जन्नत कौसर नहरां ते दूरों आवन वाले ओ लै गए जन्नत कौसर नहरां ते दूरों आवन वाले हुक्म नबी दा मोड़न वाले
रब ने दूर निकाले अरबों अजमो शाम इलाकों चानन गया उचेरे ओए बेनसीब नबी दे चाचे जेड़े रह गए विच हनेरे हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अल्लाह दे रस्ते दे अंदर अपनी जान दा नजराना पेश कर छड़िया है अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल लड़दे होया अपना आप कुर्बान कर छड़िया है हजरात मेनू तेनू भी इस तरह का प्यार चाहिए हुण साडा हाल पता की हो गया अल्लाह माफ करे तौबा अल्लाह मेरी तौबा अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह जदों रब जाने असी जंग लड़न वास्ते नहीं आए असी ते खान पीन आलियां चो ते साडा भी हाल तकरीबन हो चुके है असी कह दिए ना कि यार अल्लाह दे रस्ते दे अंदर कोई शह दियो आंदे जी हालात बड़े माड़े ने बड़े कमजोर हो गए महंगाई ने मार छड़िया जिम्मेदारां दा ते कख नहीं रहा भाईओ अल्लाह दे रसूल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन वार कसम चुकी है फरमाया मैनू अल्लाह दी कसम है मैनू अल्लाह दी कसम है मैनू अल्लाह दी कसम है जिंदे कब्जा कुदरत दे अंदर मेरी जान है अल्लाह दे रस्ते दे अंदर दिता होया माल बंदे दे माल दे अंदर कमी आउन देंदा नहीं आउन देंदा देख दे वेखिए असी असल एक बात और भी है मैं ना परसों चौथ एक तहरीर पढ़ रहा सा एक बंदे ने ना तहरीर लिखी है अंदा मैं ऑफिस जा रहा सा ते मेनू ना अंगूर जेड़े ने वो बड़े चंगे लगते सन अंगूर खान नू मेरा दिल भी करता सी ते मैं ना सामने अंगूरां वाली रेहड़ी आई उतो दो किलो अंगूर ले लैके अपने ड्राइवर नू दिते भी घर लै जा जो शाम नू मैं वापस आवांगा फिर खा लांगे उन्हें अंगूर लैके ड्राइवर नू दिते ते जदों घर आया ना शाम नू ऑफिस चो आण के घरदिआं नू आंदा है अंगूर किथे ने घरदिआं दे यूं तुसीं खा पी ले ने वो बच्चिआं ने खा ले कोई सी खा ले उते लंघ टप गए ने गल ये बाज़ औकात बंदा बड़े बड़े लम्बे लम्बे वाज़ बड़े बड़े मुफ्तियान बड़े बड़े शेखुल हदीस दे वाज़ सुनदा ते बंदे दे दिल ते असर हुंदा नहीं हुंदा बाज़ औकात कोई पेंडू बंदा कोई पट्ठे वड बंदा ऐसी गल कर छड़दा के बंदे दे दिल दी दुनिया ही बदल जांदी जदों ने गल सुनी ना कि अंगूर नहीं बचे उन्हें ना जनाब अपनी तिजोरी खोली उतो पैसे ले पैसे लैके निकल गया कोई शह नहीं खादी निकल गया बाहर जाके किसी टाउन चो जगह ले की लिया जगह ले जगह लैके ठेकेदार नु बुलाया नक्शा नवीसा नु बुलाया उन्हां नु आंदा है जिन्ने पैसे लेने ने ले लवो मैनू रातों रात अल्लाह दा घर मस्जिद तैयार चाहिए वो लग पे जी पैसे दिते गए इटा आलिया नू सीमेंट आलिया नू बजरी आलिया नू गल कादी भी मस्जिद तैयार हो गई ते उना जरो घर नहीं आया जिन्ना जर मस्जिद तैयार नहीं हुई जो घर वापस आया ना घर दिया ने किधर टुर गए सो बगैर रोटी खान तो कोई शह खादी पीती नहीं आयो ते वापस टुर गए हो किथे गए सो वो आंदा है मैं अपनी आखरत वास्ते कुछ बनान गया सा भाई आ जिन्ना वास्ते मैं तू जोड़ जोड़ रखन डे आ ना पता नहीं इन्होंने कल नू कोई मेरे तेरे वास्ते 10 रुपये भी अल्लाह दे राह दे अंदर खर्च करने ने के नहीं करने ओ जेड़ा जेड़ी औलाद मेरे तेरे वास्ते दो अंगूर नहीं रख सकती ओ कल नू मेरे तेरे वास्ते पिछों की अल्लाह दे रस्ते दे अंदर कुर्बान करेगी इस करके भाई कबर दे अंदर सवाल अल्लाह दे फरिश्तियां ने नहीं करना कि औलाद वास्ते कितना कु माल छड़ के आए जी
औलाद वास्ते की पिछे बना के आए जे, किन्नियां जायदादां बनाईयां ने, किन्ने प्लाट खरीदे ने, किन्नियां बिल्डिंगां कोठियां बनाईयां ने। उत्ते सवाल होना मन रब का, बंदिया तेरा रब कौन है? ते जे सारी जिंदगी रब नाल बना के ना रखी हुई, रब दे आखे ही ना लगा होया, फिर उत्थे सवाए अफसोस तो हा हा लादरी, मैनू नहीं पता मेरा रब कौन है। कहणगे मन नबी का, तेरा नबी कौन है? ते जे इत्थे नबी दी हदीस दा मजाक बनाया होया, नबी दी हदीस इस कन्नों सुन के इधरों कड्डी होई, फिर उत्थे सवाए अफसोस तो मेरे भाई कुछ नहीं होएगा। मां दीन का दीन केड़ा यो, कोई पता नहीं केड़ा है। हजरात उत्थे सप बिच्छू ठूमे इंदे ते मुसल्लत कर दिते जाणगे, जहन्नम दी तरफ एक खिड़की खोल दिती जाएगी और क्यामत तक अपनी कबर दे अंदर जलदा सड़दा मरदा रहेगा। हजरात कबर दे सप इन्ने सख्त ने, फरमाया जे एक सप बाहर निकल के फूक मार छड़े, पूरी रूए जमीन तो सब्जा उंची खत्म हो जाए। जेड़ा एक डंग मारेगा बंदे नू 40 साल उंदी दर्द खत्म नहीं होएगी। दुआ कर अल्लाह मैनू तेनू अपनी आखरत की फिक्र करन दी अल्लाह तौफीक दे दे। अल्लाह दे कुरान ने झूठ नहीं आखिया, फरमाया इन्नमा अमवालुकुम वला औलादुकुम फितना। लोगो माल औलाद तुहाडे वास्ते फितना वे। माल अल्लाह कोलो जरूर मंगो, मैं नहीं आंदा ना मंगो, जरूर मंगो, पर ए नाल जरूर कवो अल्लाह जे माल देवे ना ते अपने रस्ते दे अंदर खर्च करन दी भी तौफीक दे देवी। याद आ गई जंगे तबूक दी जदों तैयारी हुई ना, अल्लाहु अकबर अल्लाह, अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर छड़िया जंगे तबूक दी तैयारी हो गई है। सहाबा माल लेके आ रहे ने अपनी अपनी इस्तेदाद दे मुताबिक, अपनी अपनी जनाब हसीयत दे मुताबिक। मैं सदके कुर्बान जावा, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अनहो ने 900 ऊंट ते 100 घोड़ा बमा साजो समान ए दे छड़िया वे। उधरो जनाबे वाला हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अनहो अपने घर का सारा समान गडड़ी दे अंदर बन के ले आए ने, कंध दे अंदर हाथ पे मार दे ने कि सुई भी ना ऐसी रह जावे जड़ी अल्लाह दे रस्ते दे अंदर मैं कुर्बान ना कर देवा। मैं आमिना दे लाल दे इशारा अबरो तो कुर्बान ना कर देवा। हजरात सारे सहाबा ने माल दिता वे, अल्लाह दे नबी दा एक माड़ा जिहा सहाबी है, कमजोर जिहा सहाबी है, यार वेख अल्लाह दे रस्ते दे अंदर खर्च करन वाला बंदा होवे ते तड़प के हो जाई हुंदी है। सारी रात एक यहूदी दे बाग नू पानी देंदा रिहा वे, सारी रात पानी देंदा रे, सुबह 2 किलो खजूरा मिलिया ने ते 2 दियां 2 ही लिया के अल्लाह दे नबी दे सामने पेश कर छड़िया ने। वीर सोनियो प्यारियो गल सुनिया जे, ये नहीं के लखा रुपया होवे ते फेरी मैं अल्लाह दे रस्ते दे अंदर देवा, मेरे कोल करोड़ां दी जायदाद होवे ते मैं फेरी अल्लाह दे रस्ते दे अंदर खर्च करा। ना ना वीर सोनिया, तू अपना जेन बना खर्च करन दा, अल्लाह वेखी तेनू उतों उतों माल देवेगा जिथे जिथे तेरी सोनिया सोच भी नहीं जाती। हजरात ने 2 किलो खजूर लिया ने, सामने माल का ढेर लगा होया वे, अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 2 किलो खजूर सारे माल के उत्ते ढेल छड़िया ने। इनी कदरों कीमत अल्लाह के रस्ते दे अंदर माल खर्च करने वाले आने। आओ ना दुनिया कायनात दे लोगो, जंगे तबूक दा ही एक वाक्य आवे। एक वडेरी जी माईए इन्हें जनाब अपनी गोद दे अंदर कोई 3-4 महीनों का बच्चा उठाया वे, उठा के ते अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आ रही है। कायनात दे लोगो, अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वाला आ रही है। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत दे
अंदर हाजिर हुई है। आन के आंदी है महबूब सोने आ, मेरा खामद हुंदा ते मैं ओ तुहाडे नाल पेज छड़ दी। अल्लाह दे नबी जी जे मेरा भाई हुंदा मैं ओनू कल छड़ दी। महबूब सोने आ, आई मेरा एक बेटा वे, आका सोने आ, इनू मैं अपनी खिदमत वास्ते कबूल कर लवो ना। आका फरमांदे ने नी बीबी ए छोटे जे मासूम बच्चे दा सी की करांगे। आंदी है महबूब सोने आ, कबूल तुसी कर लवो, जाज मैं दस देनी आ, मैं दस देनी आ तुसी इंदा की करया जे। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू आंदी है महबूब सोने आ, जदो मेरा बच्चा तुहाडे कोल होएगा ना, बेशक इनू तीर चलाना नहीं आंदा, बेशक इनू नेजे चलाने नहीं आंदे, बेशक इनू तलवारां चलानियां नहीं आंदियां। अल्लाह दे नबी जी बेशक जंग नहीं लड़ सकदा, पर आका सोनिया एक कम ते कर सकदा वे ना। फरमाया हां बीबी दस की कर सकदा वे। फरमाया अल्लाह दे नबी जी जदों जंग जारी होवे, तीर तलवारां नेजे तुहाडे वल आ रहे होने, अल्लाह दे नबी जी मेरे बेटे नू अगे कर छड़िया जे। आका सोनिया नेजा इंदे जिस्म दे अंदर पवस्त हो जाएगा। अल्लाह दे नबी जी मैं भी कल अल्लाह दे दरबार दे अंदर कह सकांगी, अल्लाह जी तुसी मैनू पुत्र दिता, मैं अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कुर्बान कर छड़िया वे। कायनात दे लोगो एहो जी मुहब्बत, एहो जा प्यार, एहो जी तड़प सोने अपने आप दे अंदर पैदा करिए ना। ते बाबा जी बड़ी प्यारी गल कर दे ते आंदे की ने, जंग तबूक तैयारी कीती ओ जदों रसूल इलाही, एक माई कोल इकोई बेटा ओ पास रसूल ले आई, खिदमत अंदर हाजिर होकर अदबो अर्ज सुनाया, ये है माल खजाना मेरा, ये है माल खजाना मेरा, जो मैं तेरी चोली विच पाया। नबी ने कहा, ते नबी ने कहा रख खिदमत अंदर ना कर एडी दलेरी, माई कहा काफी मैनू हुब मुहम्मद तेरी। दुनिया कायनात दे लोगो अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जान निसारा ने अपनियां जानां तक सोनिया कुर्बान कर छड़ियां ने। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हुक्म आ जावे, फिर उन्हां लोगां ने कोई जान दी परवाह नहीं कीती, कोई सोने उन्हां माल दी परवाह नहीं कीती, कोई उन्हां ने अपने कुंबे कबीले दी परवाह नहीं कीती। अल्लाह दे रसूल जनाबे मुहम्मद उची को सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आया। आन के आंदे अल्लाह दे नबी जी मैं अपनी बेटी का निकाह तुहाडे नाल करना चाहना वा। आका फरमांदे ने, अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे ने, आका अलैहि सलाम ने कोई जवाब नहीं दिता। उन्ने चिर नूं एक बंदा आ जांदा है, काले जे रंग दे जलाबी बेंदा नावे रजी अल्लाह ताला अनहो। आन के आंदे अल्लाह दे नबी जी मैं निकाह करना चाहना, मैं शादी करनी चाहना वा। आका फरमांदे ने जाओ फलां फलां सहाबी दे घर टुर जा ते उहनां नूं जाके मेरा सुनेहा दे कि अल्लाह दे नबी ने घल्लिया अपनी बेटी दा निकाह मेरे नाल कर दिओ। आया सहाबी रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा भेजा आया गुलाम आया आन के उन्हां घर वालियां नूं आंदा बुआ खड़काया दरवाजे दे दस्तखत दित्ते बाहर बच्ची दा बाप आया आन के आंदा जी कौन ते कित्थों आए हो आन के आंदा अल्लाह दे नबी ने भेजिया वे अल्लाह दे नबी दा गुलाम आया वा कसद आया वा आंदे ने की लैन आया आंदे अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिया अपनी बेटी दा निकाह मेरे नाल कर दियो की कर दियो अपनी बेटी दा निकाह मेरे नाल कर दियो ते साडा कोई अज दा दौर हुंदा अज कोई जाके किसे नूं कवे हां कि बाबा जी अपनी धी दा निकाह मेरे नाल कर दियो बाबे ने कहना खलो जा जरा मैं तैनूं दसना अबला ते उहनूं दिल करे ते कतल ही कर छड्डे पर एक भेजिया कासिद किंदा है अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कासिद जाके सारी गल दसी है ये बंदा आंदा यार ठहर जा मैं अपनी बीवी दे नाल सलाह कर लवां अपने घर चला जांदा है आन के आंदा है नहीं अल्लाह वाली ये गल सुनना अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदा भेजिया वे काले जे रंग दा है भी माड़ा ही ओ कोल इक डंग दा आटा भी कोई नहीं ते मेरे कोलों बेटी दा रिश्ता पिया मंगदा वे जेड़ी मावे आंदी है होर ते कोई गल नहीं इंज करो ना जे रंग दाई चंगा होवे ते मैं निकाह कर देवां फिर मावां ते अपनियां धीआं बारे सोचदियां ही ने ना पर वीर सोनिया इत्थे कलन वाला जेड़ा वे ओ हबीबुल्लाह वे अल्लाह दा नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अपनी बीवी नूं जाके आंदा की है सोने ने कल्या एक बंदा काले जे रंग दा सोने ने कल्या बंदा एक काले जे रंग दा बहुत गरीब कर आटा नहीं डंग दा साडे कोलो ओ लड़की दा रिश्ता है मंग दा तू देवे सलाम मेरे ताई एक कहिंदी जे ओनो भेजिया सोने नबी इलाहिया पर रंग दा काला इन्नी बात सुनाइया और कोई उजर सानू नहीं है हजरात बीबी आंदी है ओनू कल्या अल्लाह दे नबी ने वे माल कोई नहीं ते कोई गल नहीं रंग दा बस थोड़ा जिहा काला वे हुण इह सारियां गल्लां अम्मी अब्बू दियां जेड़ियां ने ओ सुन रही है बेटी जिंदा रिश्ता हो रहा वे आंदी है नी अम्मा चुप कर जा बस कर जा मैं किड्डे बख्तां वाली किड्डे नसीबां वाली हां किसे दा रिश्ता चाचे करदे ने किसे दा रिश्ता मां बाप करदा वे किसे दा रिश्ता ताए चाचे मामे करदे ने किसे दा रिश्ता फुफियां करदियां ने नी मां मेरे मुकद्दरां दे क्या कहने मेरा रिश्ता कीता ते आमिना दिलाल जनाबे मुहम्मद ने कीता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंदी है नी अम्मा मेनू कोई इतराज नहीं अम्मा मेनू कोई किसे किस्म दा गिला नहीं आख दी लड़की अम्मा हुन बस कर जान दे ए काले ते गोरे नहीं ओ कम ईमान दे ए ते हुक्म भेजिया नबी सुल्तान ने तुसी कोई उजर लियाओ नहीं है हजरत अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह पढ़ा छड़िया वे मदीने दे अंदर जदों कैद भी आ गया सी ना इस घर दे अंदर कदी ना आटा मुक्या ना खान वाली कोई शै मुकी है ओए अपने आप नू नबी नाल जोड़ के वेखते सही के अल्लाह तेनू इज्जत अजमत मुकाम शर्फ कितना देंदा है हजरात हजरत उमर बिन खताब सब को रजी अल्लाह ताला अनहो
जदों वक्त दे हुक्मरान बने ना ते रो पे रो पे आंदे ने एक वक्त ओ सी जो उमर नू ऊंट भी चराने नहीं सन आते जो उमर ऊंट चराण दा वल नहीं सी आउंदा अल्लाह दे नबी आए उन्होंने साड़ी तरबीयत की थी। अज ओ उमर जिन्हों ऊंट चराण दा वल नहीं सी अज ओ उमर 22 लख मुरब्बा मील दा हक हुक्मरान बन के खड़ा है। भाईओ अपनी जिंदगी अल्लाह दे रसूल दे ताबे करके वेखो सही कोई हदीस सुनावे ते लड़ ना पिया करो झगड़ ना पिया करो अपनी अना ना रखिया करो ये ना वेख्या करो गल करन वाला कौन है ये वेखो गल केड़ी हस्ती दी हो रही है। अल्लाह अकबर अल्लाह मेनू याद आए हजरत अबू हुरैरा सब को रजी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजाने ते पहरेदार बा छड़िया ते रोज ही कोई ना कोई शायद चोरी हो जाए करे रोज ही कुछ ना कुछ चोरी हो जाए करे। हजरत अबू हुरैरा बड़े परेशान हुए ते एक दिन ना रात नू ओ शैतान सी चोरी करने वाला फिर आया चोरी कर ते हजरत अबू हुरैरा बड़े परेशान ने आंदा है अबू हुरैरा परेशान ना हो इंज करिया कर जदों रात नू पहरा देना है ना ऐतल कुर्सी पढ़ के अपने माल नू फूक मार के सौ जाया कर तेरा माल दी हिफाजत खुद अल्लाह रब रहमान कर लैणगे। सुबह ही अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू सारा वाकया दस्या अल्लाह दे नबी आंदे ने अबू हुरैरा है शैतान सी पर गल बड़ी चंगी दस गया अहे जनाब वेलियां च कुत्ते रखे ने बिल्ले रखे ने पता नहीं की रखे है क्यों असल साडा यकीन कुरान ते नहीं रह गया साडा यकीन अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस ते नहीं रह गया। हजरत अनस इब्ने मालिक सब को रजी अल्लाह ताला अन्हो हजाज बिन यूसुफ दे नाल इन्हां दी लड़ाई हुई हजाज बिन यूसुफ आंदा मैं नू छड़ना मैनू मार के छड़ना ते हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो सामने खड़े ने हजाज बिन यूसुफ तलवार हाथ दे अंदर जा रहे हजरत अनस दे वल अगे गया फिर वापस आया अगे गया फिर वापस आया हजरत अनस आंदे ने मारदा क्यों नहीं की होया तेनू मार मैनू क्यों नहीं मारदा। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो नू हजाज बिन यूसुफ आंदा है अनस मैं तेनू मार तेरे मोड़ियां ते दो शेर ऐसे बैठे ने जेड़े मेनू खान नू आंदे ने वजह की है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो आंदे ने अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ दसी है जेड़ी मैं सुबह पढ़ी है तेरी तलवार अनस दा वाल भी विंगा कर सकती नहीं कर सकती। उन्हां लोगां नू हदीस ते यकीन सी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा सुबह दे टाइम बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यसुरु मास्मिही शैयुन फिल अर्ज़ी वला फिस्समाई वहुवस्समीउल अलीम तीन मरतबा पढ़ लेंदा शाम तक दुनिया की कोई शय नु नुकसान पहुंचा सकती नहीं पहुंचा सकती। हुण मिसाल दे तौर बंदा सुबह नू पढ़े शाम तक अल्लाह ना करे कि उंदे नाल कोई मसला बन जाए तो कहेगा अल्लाह दे नबी दी हदीस गलत है नहीं मेरा तेरा यकीन गलत है मेरा तेरा तवक्कल रब ते नहीं तवक्कल रब ते करके पढ़ के वेख अल्लाह तेनू बड़िया बड़िया हादसों तो बचा लैणगे बड़िया बड़िया तकलीफां तंगियां मुसीबतों तो बचा लैणगे ये मेरा रब है जिहड़ा बंदे दी हर टाइम हिफाजत कर सकता है और दुनिया की कोई शाय हिफाजत कर सकती नहीं कर सकती। इस करके भाईओ अपने आप नू अल्लाह उसके रसूल दे ताबे करिए मुहब्बत रसूल ये कि अपनी जिंदगी दा ओढ़ना बिछाना अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू बना लीए जे बाप अल्लाह दे नबी नू बहसीयत बाप वेखिए जे दाइयां अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू बहसीयत दाई वेखिए कि अल्लाह दे नबी ने कैवें दावते दीन दा कम कीता है यानी जिंदगी दे जेड़े शोबे दे अंदर भी हो अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी मेरे तुहाडे वास्ते एक बेहतरीन नमूना है।
गल्लां पढ़ियां याद आई गल जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा दा माल लेके गए ना शाम दे वल ते माल भिज गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भिजा माल वखरा कर लिया, सुक्का माल वखरा कर लिया। साडा हाल की है, असी गिला थले ते सुक्का उत्ते ते बाज़ औकात ते इंज लोग करदे ने आ जिहड़ियां मशीनां कणक मुंजी वढ़न वालियां ने ना उहनां दे विच मिट्टी पा छड़दे ने कि दाणियां दे विच मिट्टी जाएगी, चलो कोई रेट वध जाएगा, वजन वध जाएगा। भाई जे तेरी पजावां मणा नाल पूरी नहीं ना पई ते एक मण मिट्टी पा के भी तेरी पूरी पै सकदी नहीं पै सकदी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों ढेर लाए ताजर हैरान हो गए, यार केहो जिहा ताजर बन के आ गया, असी ते जनाब अपना गिला माल गंदा माल जिहड़ा वो थल्ले लुकाने आ, इहने वखरा करके दस छड्डिया लोकां नूं, आंदे ने मेरे माल च आवी नुक्से आवी नुक्से आवी नुक्से। हजरात मेरे नबी ने ऐसी तिजारत की है कि मैनू तेनू तिजारत करन दा वल दसिया है और अल्लाह ने नफा इन्ना दिता कि सारे लोगों नालों माल भी आमिना दे लाल दा पहलों विक गया ते चंगे दामना दे अंदर विक गया। इस करके भाईओ तिजारत करनी है अल्लाह दे नबी तो सीखो, उस्ताद हो मेरे नबी नू वेखो, अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह के उस्ताद सन, मुअल्लिम हो वेखो अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम किस तरह के सन। हजरात घर के अंदर हो वेखो मेरे नबी का बर्ताओ अपन बीवियां दे नाल किस तरह का सी, बच्चिया ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबीयत वेखो उन्होंने अपन बच्चिया की तरबीयत किस तरह की कीती है, यानी इंज समझ लवो अलफ तो लैके ये तक मेरी तेरी जिंदगी के जितने मामलात ने उनके अंदर अगर जिन्ना चर असी मॉडल आमिना दे लाल नू नहीं बनावांगे उन्ना चर असी तरक्की नहीं कर सकते, उन्ना चर असी राय हिदायत ते नहीं आ सकते। अल्लाह मैनू तुहानू सारिआं नू अल्लाह उसदे रसूल दे ताबे होण दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए, अल्लाह जिंदा रखे इस्लाम ते मौत आए अल्लाह खालिस ईमान ते तौहीद वाली अल्लाह मौत नसीब फरमाए। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।